एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फरीदाबाद ब्लॉगर चित्रा। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और ये ब्लॉग आपको जब मिलेगा तो उस दिन होगा गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा जो होती है उसमें आपको देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, तो उसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो आपके देवता आपसे प्रसन्न हो जाएं और हमारे भी प्रसन्न हो जाएं और हमारी जितने भी इच्छाएं हैं, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएं। तो अच्छा, जो भी टू बी कंटिन्यूड मेरा वो व्लॉग था, मेरा बर्थडे व्लॉग, तो उसमें मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि वो 9 बज जाएंगे, लेट हो जाएंगे, वैसे वो 7 बजे आ जाते हैं, तो वो उन्होंने मुझे पागल बनाया था। तो वो आ गए थे, जो जल्दी ही आ गए थे वो, और आप आगे देखना क्या किया था उन्होंने, कैसे, मतलब एक तो मैं बता दूं आपको कि एक तो पिक्चर की टिकट्स हैं कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो युग के बर्थडे से पहले जा रहे हैं। युग का बर्थडे है 10th of November को, तो युग 3 साल का हो जाएगा, तो उससे पहले ही जाएंगे हम। और दूसरी चीज़, कैसे सेलिब्रेट किया वो आप आगे देखिए। और दिवाली की शॉपिंग मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, तो क्या क्या खरीदने गए, कैसे खरीदने गए, तो वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ आगे। युग आ गया है, सोके उठ गया है, और दिवाली का व्लॉग आपको मिलेगा कल। तो भाई दूज वाले दिन अगर बिजी नहीं हुई तो भाई दूज वाले दिन मिलेगा, नहीं तो भाई दूज के नेक्स्ट डे मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है भाई दूज वाले दिन हम लड़कियाँ कितनी बिजी हो जाती हैं। कोशिश करूंगी शाम में ही एडिट करके परसों जो वो है दिवाली का व्लॉग जो है आपको मिल जाए। तो चलिए, अभी मैं अभी आप देखिए मेरा आगे का व्लॉग, जो मेरा बर्थडे व्लॉग अधूरा रह गया था वो कंप्लीट करती हूँ, और मेरी दिवाली की शॉपिंग। तो चलिए बने रहिए, अभी भी बम फूट रहे हैं, चलिए आप आगे देखिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, उससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती हैं। और ये देखिए मैंने अपने सोफा वगैरह सब चेंज कर दिया है, आगे आपको दिखाऊंगी आगे आगे ब्लॉग में। और वो कपड़े पड़े हैं फोल्ड के लिए, देखो पूरा भरा पड़ा है, एक उधर पड़ा है, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, इसलिए मैं बिजी थी बहुत। चलिए आप देखिए, find something to believe, because I'm running wild, I ain't running free, still got a lot of shit left to see, stuck in this town, and the town's stuck in me, always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone, hoping one day I'll never be alone, because I'm stuck on the bottom, trying to feel on top, wishing everything would just come to a stop. Being hurt, what a concept. Gotta stay alive, yeah, that's the mindset. Caffeine mornings, vodka nights. Gotta be awake, gotta live this life. Hoping there's more, but knowing there's less. We gotta keep going and hope for the best. Walking the streets, just you and me. Trying to fill the void, trying not to bleed. Sometimes life just moves too slow. You gotta find a reason to push it and go. You know we're trying our best to be a success. We're living our life trying to clean the mess. Cause I'm stuck in this road, day in, day out. Thoughts come in, but nothing comes out. Still trying to feel on top. Wishing all the shit would just come to a stop. Either off, either off, either off. Don't be calling it.
टेस्टी है चॉकलेट। ऐसे नहीं खाना, इसने ऐसे ही खाना है अपने हाथों से। खाना बेटा, फिर से खाना है, फोटो खींचूंगी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है 25 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे वाले दिन थी धनतेरस, तो मैं ये थोड़ा सा सामान खरीदने गई थी कैलेंडर वगैरह दीपावली के लिए, और छोटी दिवाली को भी गई थी। तो वही ये दोनों दिन की वीडियो है जो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत सामान लेना था तो वो मैंने ले लिया है, तो वही आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए आप देखिए ब्लॉग। ये दिए, ये वाले, ये वाला कितने? हाँ बताओ तो। 15 रुपये का है एक, एक 20 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, ये 15 रुपये का है, कई सात का है, एक 5 रुपये का है। ये कैसे दिए? ये 10 के 15 है। 10 के 15? मोमबत्ती है क्या? मोमबत्ती। और दीपावली का जो मेन जो प्रसाद होता है वो यही होता है, खील और पताशे और खिलौना। तो ये मैंने लिए हैं, थोड़े से लिए थे। और ये देखिए सोफे के कवर वगैरह सब मैंने उस दिन वॉश वगैरह किए थे 26 तारीख को, तो ये उस दिन का ही व्लॉग है छोटी दीपावली के दिन। ये सारे मैंने कुशन कवर, बोलस्टर कवर, गोल तकिया जो बोलते हैं जिसे बोलस्टर, तो ये सारे कवर निकाल दिए हैं। और स्टार्टिंग में देखा होगा आपने सोफ़ा मेरा, तो ये बेडशीट वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कैसा लुक आ रहा है। इतने सारे कपड़े हैं धोने के लिए, इसीलिए ब्लॉग नहीं डाला था मैंने। और ये देखिए केक जो है युग बार बार निकाल के ला रहा था फ्रिज में से, इसलिए मैं लॉक लगा दूंगी इसमें। बार बार निकाल के ला रहा था और खा रहा था इसको, खाने का कोई वो नहीं है। फ्रिज की गैस जो है ना वो सारी ख़त्म होती है, मतलब ख़राब होता है ना, इससे कूलिंग अच्छी नहीं होती फ्रिज की। तो उसके बाद हम गए थे मार्केट में छोटी दीपावली वाले दिन, युग के शूज़ वगैरह लाने थे और सब्ज़ी भी लानी थी। तो आगे आप देखिए ब्लॉग, सब्ज़ी वगैरह भी लाएंगे हम और भी चीज़ें। सैंडल पहन लो। तो ये देखिए युग कैसे पहन रहा है, खुद ही इसको ये वाले पसंद आ गए थे। ये वाले नहीं बेटा, दूसरे वाले लिए हमने। एक वो दे दे नीचे वाली गूगल। आओ आओ पापा गए सामान लेके। मेहंदी नहीं है अभी भी, मेहंदी नहीं बेटा। हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, इधर आओ, दूसरी दिलाएंगे आपको। और गाइस बाद में हम गए थे, जब सब्जी लेने गए थे मार्केट के बाद हम सब्जी लेने गए जब, तो फिर हम यहाँ रुक गए आते हुए, क्योंकि यहाँ पर जलेबी बन रही थी और ये भैया जो हैं जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं,
ठेले वाले की कुछ बात अलग भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस्टोरेंट में ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर भी अच्छी मिलती हैं और इनसे भी खा लेना चाहिए यार, ये भी कमाने के लिए खड़े होते हैं ना। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन के साथ करना, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी आपको मेरी वीडियोस की। और डेली 1 बजे मैं वीडियो डालती हूँ तो आप